तो हेडिंग डाल रखी है हम लोगों की सामर्थ्यता या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, किसी भी अम्ल की क्षमता कब अधिक होती है और किस परिस्थिति में किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षमता कम होती है, इस बात को पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है इसको दो मिनट बाद पढ़ते हैं, इसके पहले एक और चीज़ को पढ़ते हैं। देखो ये ध्यान रखने लायक है और जितना भी आर्टिकल बनेगा आज के दिन का वो सब जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ उसी से बनकर तैयार होगा। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र होता है कुछ इस रूप में होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसमें से मैं बहुत जगह पर नहीं चलूंगा, बस इतनी बात ध्यान देंगे। ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, वैसे तो ऑक्सीजन के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होती है लेकिन बाहरी कक्षा में 6, 6 में से ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन ने ये वाला बॉन्ड बना रखा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। अब ऑक्सीजन के पास बचे हुए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये बात बेटा बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है। अच्छा, अभी मैं एक और बात करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के क्रम को देखा जाए, विद्युत धनात्मकता को देखा जाए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बने बॉन्ड को ऑक्सीजन ज़्यादा प्रबलता से अपनी ओर खींचता है, और जब ज़्यादा प्रबलता से खींचता है तो ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की ओर खिसका हुआ होता है। लेकिन जब इसी ही पदार्थ को हम पानी पर घुल देते हैं तो पानी पर घुलने पर ये बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली टूट जाता है, और जब कंप्लीटली टूट जाता है ये बॉन्ड तो होता क्या उस परिस्थिति में, इस बॉन्ड के टूटने से मिलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ऑक्सीजन का था और एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन तो मिलता ही है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच के लेके जाता है। तो इस दौरान ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी अम्लीय क्षमता को या अम्लीय प्रवृत्ति को दिखाता है। अच्छा, अम्लीय प्रवृत्ति किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा कब होगी, जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड तुरंत हाइड्रोजन आयन को अपने से अलग कर देगा या अपने इस जगह वाले बॉन्ड को जल्दी से तोड़ देगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड O और H के बीच बने हुए बॉन्ड को जितनी सरलता से, जितनी तीव्रता से, जितनी शीघ्रता से तोड़ सकता है उसकी अम्लीय क्षमता उतनी ही ज्यादा भी है। अब थोड़ा सा और इस पर बात करेंगे कि यह किस परिस्थिति में बॉन्ड को तोड़ने के लिए सरलता रहती है, इसकी आखिर कौन सी परिस्थिति में हम इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं जो बॉन्ड O और H के बीच में बना था। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना और भैया इसको हमेशा के लिए तैयार करके रखना। ऑक्सीजन परमाणु पर कई सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और जब किसी परमाणु पर कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं ऑक्सीजन परमाणु पर यह है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। एक एटम है उसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक और एटम है जिसके चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन है, एक और एटम है जिसके चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे जिसके चारों ओर, जिस एटम के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन है उस एटम का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम है, जिस एटम के चारों ओर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उतना ही अधिक होगा। मुझे एक और कभी कोई पदार्थ मिल गया, जैसे मेरे पास एक पदार्थ ए है एक पदार्थ बी है, मुझे इसमें मिलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और बी में मिलते हैं मात्र 4 इलेक्ट्रॉन, हमसे पूछेगा कौन से एटम पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो ज्यादा है, ए पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा है अगर ये ना कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, और यहां बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। एक और एटम अगर मेरे पास होगा जिसके पास केवल एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे बेटा इस दोनों में से तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम है। अब ध्यान रखो इस बात को, जिस एटम पर
जब भी कभी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के एटम पर, ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगा, उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी अधिक होगी। तो कहते हैं सर जी अम्लीय प्रकृति कब ज्यादा होगी? अम्लीय प्रकृति तब ज्यादा होगी जब ऑक्सीजन के एटम पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम से कम होगा। इस बात को विशेष ध्यान रख लेना भैया, दोबारा ना बताना पड़े। मैं रिपीट जरूर करूंगा इस बात को, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा यह बात ना बताना पड़े कि जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ता है, अम्लीय क्षमता घट जाती है। और जब भी कभी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो घटता है, अम्लीय क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हालांकि मैं क्या सोचता हूं, अगर आप इस बात को अभी भी भूलने की कोशिश करोगे तो मैं भैया भूलने नहीं दूंगा। अब देखो क्या लिखेंगे, मेन बात क्या है, ये इस बात को यहां लिखेंगे, ऑक्सीजन के एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो फिर बेटा ऐसी कंडीशन पे अम्लीय क्षमता घट जाती है। कभी कभी तो बच्चे इसको ऐसे भी कहते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, क्षारीय क्षमता बढ़ी। बिल्कुल सही, क्षारीय क्षमता बढ़ेगी तो अम्लीय क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर है। लेकिन क्या है ना, मैं हम लोगों ने हेडिंग क्या डाल रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हमें अम्लीय क्षमता की बात करनी है, क्षारीय क्षमता से मतलब ही नहीं है। तो मैं अम्लीय क्षमता पर ही डील करूंगा केवल। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन पर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई है, नीचे के लिए तीर मतलब घट गई है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो अम्लीय क्षमता है, अम्लीय क्षमता वो बेटा कैसी हो गई है? अधिक। बस मैं क्या सोच रहा था कि इस स्टार पे लिखी बात को इतना आप समझें, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, अम्लीय क्षमता घट गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी, अम्लीय क्षमता बढ़ जाएगी। अभी चलते हैं, अब कुछ चीजों को पढ़ते हैं। कहां, ये ऊपर लिखी हुई ऊपर लिखी हुई बातों को अगर पढ़ना स्टार्ट करें बेटा, तो ऊपर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते कौन से? ये वे समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। किसी दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन रखा होगा, ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास जैसे इसे मैं मान लेता हूं, मेरे पास ए और बी एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े थे, इस सिंगल बॉन्ड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा मान लो, बहुत सारे तो क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ए इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। अगर ए इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो ए हो गया इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और अगर बी इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेज देता है तो जानते हो बी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। क्या आकर्षी और प्रतिकर्षी का अर्थ जान पा रहे हो? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की स्ट्रेंथ रखने वाले ग्रुप कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाने वाले समूहों को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। स्ट्रेंथ पर चलेंगे थोड़ा सा, ये ऊपर जितने भी ग्रुप लिखे हैं, इन सभी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है किसमें, CF3 में। ये सिंगल बॉन्ड लिखा है, माइनस नहीं लिखा, इसको ध्यान रखना इस बात को। CF3 के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है, मतलब अगर इसको किसी के साथ भी जोड़ दोगे या उसके इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींच के अपने पास ले आएगा, खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है। CF3 से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता NO2 की थोड़ी सी कम, NO2 से भी थोड़ी सी कम इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता CN के पास, CN से कम क्षमता रखता है फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम क्षमता रखता है क्लोरीन, क्लोरीन से भी कम क्षमता रखता है। मैं ये नहीं कहता, देखो मैं फ्लोरीन और क्लोरीन का कंपेयर कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को दूर भगाता है ना, ये भगाने वाले है ही नहीं, ये सारे के सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं, खींचने वाले हैं, भगाने का तो काम ही नहीं कर रहा कोई, नाम ही इनका आकर्षी समूह। तो फ्लोरीन की क्षमता ज्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की क्षमता ज्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता आयोडीन से ज्यादा है,
और इस क्रम में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे कम रहती है पीएच ग्रुप में। कहता सर ये पीएच ग्रुप क्या है? बेटा ये फेनिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग जानते हो ना, ये वो है। बेंजीन रिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता सबसे कम होती है। वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप में है, और भी ग्रुप हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूं ना, आप इतने ग्रुप को अगर पढ़ लोगे आपके पास इससे बाहर कभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप पढ़ते रहोगे, एग्जाम दे आओगे, और जाने कितने एग्जाम दे आओगे, आप इससे बाहर पाओगे ही नहीं कभी। इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों को सम्मिलित कर लिया है, जो एक भी बार अगर पूछे गए हैं तो उन ग्रुपों को भी मैंने रखा है। तो ऊपर वाले के पास मैं क्या सोचता हूं, क्या इनमें इलेक्ट्रॉनों को देने की क्षमता है? ना, ये सारे के सारे कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्या इनके पास क्षमता है? हाँ, कम क्षमता है, ज्यादा क्षमता है, उसका निर्धारण आप कर चुके हो। नेक्स्ट पे आएंगे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कौन होता है? वह समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का मन ही नहीं करता है। इनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा भी ये मना करेंगे, नहीं भैया लेके जाओ, हम अपने पास से भी तुमको इलेक्ट्रॉन दिए दे रहे, ये इलेक्ट्रॉन हमको वापस ना करो, बल्कि तुम लेके जाओ। ऐसे समूहों को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षी समूह, अर्थात इलेक्ट्रॉन को दे देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले ग्रुप। और उनमें भी क्षमताएं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता किसके पास है? NH2, इसको एमीन समूह भी कहते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन को अपने पास से दूर भगाने की क्षमता सबसे ज्यादा है। इसके बाद OH की क्षमता थोड़ी सी कम हो गई, यह भी इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है, लेकिन NH2 की अपेक्षा कम। उससे भी कम OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप, इससे भी कम तृतीय एल्किल ग्रुप के पास, उससे भी कम क्षमता, उससे भी कम क्षमता, उससे भी कम क्षमता, उससे भी कम क्षमता। तो मैं अगर पूछूंगा हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है कि प्रतिकर्षित करता है? प्रतिकर्षित। कैसी क्षमता है? सबसे कम की सबसे ज्यादा? सबसे कम। प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन अब इसके पास उतनी क्षमता नहीं कि बहुत ज्यादा यह प्रतिकर्षित कर सके। ठीक है, तो अगर आप इन ग्रुप का थोड़ा सा भी नॉलेज कर चुके हो तो भैया जल्दी से जल्दी काम करेंगे और इस बात पर चलेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता का क्रम पढ़ लिया जाए। जैसे मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैंने कुछ एसिड यहां लिख रखे हैं, देखो H सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। बेटा मेरे पास दूसरा एसिड है सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। मेरे पास एक और एसिड है सी एस थ्री सी एच टू सी डबल ओ एच, ये लिखे हुए हैं एसिड। अब कहोगे सर जी ये एसिड में से हमसे पूछ लेता है, बताओ कौन सा एसिड की क्षमता ज्यादा है और कौन से एसिड की प्रबलता कम है। हमने कहा एक मिनट रुक जाओ, अच्छा ये बताओ अगर इस सी डबल ओ एच ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो बेटा जरा देखो इस पे जो ग्रुप लगे हैं, जैसे इस पे क्या लगा हुआ है H, इस पर क्या लगा है सी एस थ्री, इस पर क्या लगा है सी एस थ्री सी एच टू। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है? प्रतिकर्षी समूह है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से कहां भगाएंगे? दूर भगाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा यार ये बताओ इन तीनों को देखो, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने की क्षमता इन तीनों में सबसे ज्यादा किसके पास है? फर्स्ट के पास, सेकंड के पास कि थर्ड के पास? हाँ बिल्कुल सही है, थर्ड के पास। इसका मतलब है ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा धक्का देकर आगे की ओर पहुंचाएगा, सबसे ज्यादा धक्का देगा। देखो तीन तीर बनाए, सबसे ज्यादा उधर धक्का दे रहा है। अब बस इतनी बात तुमको समझनी है, अगर ये वाला ग्रुप ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर आगे भेजेगा तो आगे भेजने पर ऑक्सीजन बैठा है, यहां पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। भैया ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है ना, सोचो कैसे भेज रहा है, मैं बताता हूं। अगर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH की तरफ अपने इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रहा है, समझ लेना आर्टिकल क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहता है ऐसा। अगर R इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचेंगे? C। C कहेगा भैया हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम भी धक्का देंगे। ये इन जो इलेक्ट्रॉनों को C पर पहुंचाया है, C इन इलेक्ट्रॉनों को किसके पास पहुंचा देगा?
ऑक्सीजन के पास, देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ गया है। क्यों? चार तो पहले से थे, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दिया तो कितने हो गए? पांच। बताओ इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटी है कि बढ़ी है? और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो अम्लीय क्षमता क्या हो जाती है? समझ पा रहे हो? सोचो अगर यही मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मानता हूं, यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होता तो यह वाला ग्रुप किससे इलेक्ट्रॉन मांगता? कार्बन से। कार्बन कहता देखो भैया चार बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन देने का काम अपने पास नहीं, हां किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे मैं तुमको दिलवा दूंगा उससे। तो भैया इसने क्या किए, जब कार्बन से आर ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो कार्बन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, कहा कि हमें लाओ इलेक्ट्रॉन अपना और हम अपने से तुम्हारी ओर खींच, ऑक्सीजन से कार्बन की ओर खींचेंगे, कार्बन उसको दे देगा। बस इतनी बात बताना, जब ग्रुप के इधर की ओर इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा था, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो घटा है कि बढ़ा है? घटा है। और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटता है तो अम्लीय क्षमता बढ़ जाती है। समझ रहे हो भी इस बात को? कुल मिला के धक्का सी डबल ओ एच की ओर लगेगा, सी डबल ओ एच की ओर लगेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर धक्का नहीं लगेगा बल्कि खिंचाव होगा इधर की ओर तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, लिखा रहने देते उसको दो मिनट के लिए। दो मिनट क्या लिखा रहने देते हैं, अब उसको समझना भी है उसी सूत्र से, बाद में मिटा देंगे इसको। तो इसमें क्या कर रहा है, सी एस थ्री सी एस टू इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। सोच समझ कर जवाब देना, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व तो बढ़ा होगा कि घटा होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा जरा इसको देखते हैं, सी एस थ्री इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है कि धक्का देने वाला है? लेकिन जरा सोचो इस बात को, सी एस थ्री क्या इसके बराबर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर सकता है? तो यह कम धक्का दे पाएगा। मैंने दो एरो बनाए। अब H पर आ जाते हैं, H इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ग्रुप है कि त्यागने वाला? त्यागने वाला। ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को किसकी ओर पहुंचाएगा? सी डबल ओ की ओर। सोचो ये इसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन को त्यागने की सबसे कैसी है? कम। मैंने ठीक किया अब यहां पे। अच्छा बताओ, यहां सबसे ज्यादा त्यागने की क्षमता थी तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो सबसे ज्यादा रहा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज्यादा रहा तो अम्लीय क्षमता सबसे कम रही। क्या ये वाली बात समझ पाए? दूसरा, इन दोनों में से इसने इलेक्ट्रॉनों को, इन दोनों, अब उसको कंपेयर छोड़ देते हैं, इन दो का कंपेयर करते हैं, इन दोनों में सी एस थ्री ज्यादा क्षमता से इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन पर भेज रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा ही बढ़ेगा, और जब ज्यादा बढ़ेगा घनत्व तो अम्लीय क्षमता ज्यादा घटेगी। तो मतलब इसकी भी अम्लीय क्षमता क्या है? कम है। तो मैं इसको और भी बना दूंगा। अब बस मैं इतनी बात यार पूछूंगा आपसे, क्या ये वाला आर्टिकल तुम समझ पाओगे इसको, कि दोबारा बताना पड़ेगा अभी? ठीक है, और देखो एक देखते हैं, क्या है कि कभी कभी एक फॉर्मूले से ज्यादा कन्फर्म नहीं होता है तो उसके लिए हमें दूसरा कोई फॉर्मूला लेना पड़ता है, और दूसरा फॉर्मूला जब लेना पड़ता है, समझो फॉर्मूला लिखते हैं कुछ ऐसा, सी एच थ्री का होल थ्राइड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा सी एच थ्री का होल ट्वाइज सी एच सी डबल ओ एच, और बेटा तीसरा एक और फॉर्मूला लिखेंगे सी एच थ्री सी एच टू सी डबल ओ एच। तीनों सूत्र दिखाई दे रहे हैं, और तीनों सूत्र में हमें इस पार्ट से अभी मतलब बिल्कुल भी नहीं है, सी डबल ओ एच से। अगर सी डबल ओ एच से मतलब है तो मतलब किससे? इससे, यहां इससे मतलब है और यहां इससे मतलब है। अब देखो इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं और समझने की कोशिश भी ज्यादा रहेगी इस बार। तीनों ग्रुपों को देख लिया है। अच्छा जल्दी से बताओ, इसमें और इसमें और इसमें अगर इनके नाम दे दिए जाएं एक्स वाई और जेड, इलेक्ट्रॉन को ये खींचने वाले ग्रुप हैं कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले ग्रुप हैं? ये बात तो कन्फर्म है। अच्छा इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा?
सोच लो क्षमता, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता सबसे ज्यादा किस पर, एक्स पर कि वाई पर कि जेड पर? एक्स पर क्षमता सबसे ज्यादा है। अगर इसकी क्षमता सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, तो यह ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, और सबसे ज्यादा बढ़ाएगा तो अम्लीय क्षमता सबसे कम। अच्छा, इसके बाद इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता किस पर ज्यादा है? इन पर, वाई वाले पर। और त्यागने की क्षमता ज्यादा है तो यह ऑक्सीजन पर घनत्व भी कैसा कर देगा? ज्यादा। और भाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व जैसे ही बढ़ाया, अम्लीय क्षमता इसकी कैसी हो जाएगी? कम। तो अब एक्स वाई जेड हटा दिए जाए। बेटा क्या होता है ना, एक्स वाई जेड हमने क्यों लिख दिया, उसका रीजन ये है, अगर मैं पूरे का नाम पूछता, आप इसको कहते सी एस थ्री का होल तो थ्राइज सी, तो इतना लंबा आपको पढ़ना पड़ता, आपको ऐसे ग्रुप पढ़ने पड़े, एक्स वाई और जेड निशान लगे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होगी तो अब हम चलेंगे दूसरे ग्रुप की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते नहीं बल्कि खींचते। रटवाने का भी मैं रटवा सकता था, ऐसा नहीं कि रटवाने के तरीके नहीं थे, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, रटवाने पर भूल जाओगे, आज तैयार करोगे कल भूल जाओगे, कम से कम इनको ध्यान रखोगे, किसी को बता भी पाओगे आगे चल करके, हैं बेचारे दूसरे बच्चे का भविष्य भी सुधर सकेगा, हाँ भला हो जाएगा उसका। तो अब इस बार ग्रुप चेंज, हाँ बेटा ये वाले का देखो, इसका नाम क्या ग्रुप का रखा, एक्स, इसका ग्रुप का नाम क्या रख दिया, वाई, इसका ग्रुप का नाम रख दिया जेड। अब तुमको ये ध्यान देना, इन एक्स वाई जेड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कौन भगाता है? एक्स। उससे कम कौन भगाता है? उससे कम कौन भगाता है? तो जी इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा दूर भगाएगा वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी सबसे ज्यादा कर देगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा कर देगा तो ये सबसे ज्यादा करेगा, ये उससे कम करेगा, ये उससे कम करेगा घनत्व, तो सबसे कम घनत्व ये करेगा और सबसे ज्यादा घनत्व ये करेगा। लेकिन घनत्व का तो अपोजिट नेचर होता है, घनत्व ज्यादा तो अम्लीय क्षमता, यहां घनत्व ज्यादा था तो अम्लीय क्षमता सबसे कम, यहां घनत्व थोड़ा सा बढ़ा अम्लीय क्षमता, सॉरी थोड़ा सा घटा अम्लीय क्षमता बढ़ गई, या घनत्व और भी घट गया अम्लीय क्षमता सबसे ज्यादा हो गई वहां पर। तो डेंसिटी के बेसिस पर इस प्रकार से कुछ चलता है। नेक्स्ट नंबर पर चलेंगे, एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, देखो कैसे, CH2COOH और सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है Cl, ये बात ध्यान रखना। कहोगे सर जी कौन सी बात, तो ध्यान दिलवा रहे हो, ध्यान ये दिलवा रहे हैं कि जो Cl इधर पीछे लिखा वो नीचे भी लिखा हो सकता है, लटका हो सकता है, उससे घबराना नहीं कि एग्जाम में आया पेपर में Cl जो पीछे लिखा था सर जी ने, वो तो अब एग्जाम में ये Cl नीचे लिख करके आ गया, और हम टेंशन पे हो गए कि भैया अब हम क्या करें, अब तो हमारा पूरा भविष्य भी का बिगड़ गया ना भैया, कुछ भी नहीं है उससे। एक और देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और इस बार जो है यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है। बेटा नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, इस जगह पर I सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, तीन सूत्रों पर ही ज्यादातर आता है, और बहुत ज्यादा होगा तो F वाला लगा लेंगे, इसमें नियम समझो, बाकी तो क्या है सब फालतू की चीजें हैं, नियम जान गए सारे सारे काम वहीं से होने हैं। पहले समझो, अगर आप CH2COOH को छोड़ दें, क्योंकि सब में मिल रहा है, देखो क्योंकि जो ग्रुप सब में मिल रहा है उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, इफेक्ट कौन डालेगा, जो ग्रुप चेंज हो रहा है, तो भैया इसमें ग्रुप चेंज हो रहा है Cl, इसमें Br और इसमें I। अब पहला तो ये देखने का नंबर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का आकर्षी समूह है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षी समूह है, आकर्षी समूह, देखो ऊपर वाले पर लिखा हुआ कहीं कहीं कहां लिखा है, ये F, Cl और Br, तुरंत देख करके बताओ, Cl के इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता, Br के इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता और I के इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता का क्रम क्या ये है, Cl, Br और, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, सोचो, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा तो इलेक्ट्रॉन किससे मांगा होगा, C से, इस C ने किससे मांगा होगा, वो C मना कर देगा कि भैया ना भैया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ले उससे जा करके, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा Cl। अभी आपको इतना समझना है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है इन तीनों में से,
उससे कम क्षमता है खींचने की ब्रोमीन की, और सबसे कम क्षमता है आयोडीन की। अच्छा यार ये बताओ, अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे कम कर देगा, और जब सबसे कम कर देगा तो अम्लीय क्षमता सबसे ज्यादा। क्या ये बात अभी समझ पा रहे हो? अच्छा बताओ, देखो इसका क्या है कि तुम लोग बताओगे तो लिखेंगे, नहीं तो हम तो गलत लिखने आए समझ लो, और हमने गलत लिख भी दिया। सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिख गया है क्या? हाँ गलती से लिख गया होगा, समझो। बी आर और आई में इलेक्ट्रॉन को, अब बी आर और आई में कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले दोनों ग्रुप क्षमता किस पर ज्यादा है? ब्रोमीन पर। तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, और जब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी बहुत ही कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना कम होगा अम्लीय क्षमता उतनी ही ज्यादा, तो ये निशान इसका मतलब फिर सही है। तो सी एल बी आर आई को हटा दिया जाए। अब देखो क्या हो सकता है कि सर जी ने सी एल बी आर आई का बताया है, आपके सामने तो बहुत सारे ग्रुप हैं, पता नहीं किस ग्रुप को लगा दे और आपसे तो उसका आंसर पूछ ले। ये तो हमको भी नहीं पता होता है, ये हमको भी तब पता चलता है जब एग्जाम हो चुका होता है कि इसका इस बार आया था। मैं मतलब क्या है कि हमारे पास तो जो ग्रुप है तो मैं कुछ कुछ ग्रुप लगा के बता दूंगा, बाकी समझना आपको नियम के अकॉर्डिंग है, उधर से वहां से समझोगे वही बेटर रहेगा। अभी एक और देखो इसी क्रम पे लिखते हैं कुछ उल्टा सीधा, हाँ, और उसको भी समझें आप। देखो कैसे समझें, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और नीचे की ओर लटका हुआ है CF3, फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CN, और उसके बाद आ जाते हैं CH2 COOH, और बेटा यहां पर लगा लेते हैं बेंजीन रिंग। अच्छा बेंजीन रिंग जानते हो ये कौन सा है ग्रुप? ये कहां वाला है? वो लास्ट वाला फेन। मैं लिख भी दूं ना, या तो ये लिख कर आएगा या तो ये बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा सिंगल बॉन्ड टॉप पर। अब इससे मत परेशान, देखना इसमें से मैंने नीचे लटका रख रखा है, मैं चाहता तो इसको पीछे कर देता। आपको क्या लगता है अगर मैं इनके नाम दे देता, इसका नाम होता X, इसका नाम होता Y, इसका नाम होता Z। ये पहले तो बात इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह है कि त्यागने वाले समूह है? खींचने वाले आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इनमें से खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा किस पर है? CF3 पर। ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा खींच लाएगा यहां, और जब ज्यादा से ज्यादा खींच लाएगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो सबसे कम हो जाएगा, और सबसे कम का मतलब है अम्लीय क्षमता सबसे ज्यादा। अच्छा इनमें दोनों में क्या कहते हो किसकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए? अम्लीय क्षमता, घनत्व तो मत बताना मुझे, सीधे डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट की अम्लीय क्षमता किसकी ज्यादा होगी, वाई की या जेड की? Y की अम्लीय क्षमता कैसी होगी ज्यादा, क्योंकि इन दोनों ग्रुप को जब मैं कंपेयर करता हूं इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है, और क्योंकि खींचने की क्षमता ज्यादा है ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचकर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जैसे ही कम करेगा अम्लीय क्षमता अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में से इसकी अम्लीय क्षमता बड़ी होगी ज्यादा होगी, उसकी अम्लीय क्षमता कैसी होगी? कम। तो इस बात को पहचानते हैं, एक काम करो फिर जल्दी इसको नोट करते हैं, अभी और भी बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जिनको पढ़ना बाकी है, जल्दी से इसको नोट करो। देखो भैया सूत्र फिर लिखते हैं, एक समझो अपना। दिख रहा है बेटा? देखो अब ये एसिड मैंने लिख रखे हैं और इनमें से वही ग्रुप यूज किया है, लेकिन इस बार जानते हो चेंज क्या है?
इसमें फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है तीन बार है, दो बार है, और वहां कितनी बार आया है, एक बार। ऐसे सूत्र में दे देता है कभी कभी बच्चा, तो ऐसा सोचता है सर जी इस बार तो सभी जगह फ्लोरीन है, अम्लीय क्षमता तो क्या बताएं, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा किसकी ज्यादा होगी। लेकिन समझो, अब समझो कि बहुत अच्छा लगेगा तुमको। अच्छा ये बताओ इसमें फ्लोरीन कितने हैं, और तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने वाले हैं, खींचने वाले। इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले कितनी बार हैं, दो बार। और इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप कितनी बार है, एक बार। अच्छा बताओ यहां तीन तीन फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचे पड़े हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले जाएंगे। इसमें केवल कितने फ्लोरीन खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को, दो, कम खींच पाएंगे। इसमें से केवल एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, सबसे कम खींच पाएगा। ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ये उससे कम आकर्षित करेंगे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, और ये सबसे कम अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर पाएंगे। सोचो अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे कम, अम्लीय क्षमता सबसे ज्यादा, ठीक है। इनमें दोनों में किसकी अम्लीय क्षमता कहते हो, ज्यादा, तो इसकी। क्यों, यहां दो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों की संख्या क्या हो गई है, अधिक। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों की संख्या अधिक हो जाने की वजह से भैया इलेक्ट्रॉन पर जो है घनत्व जो है ऑक्सीजन पर वो कम हो गया है, और कम हो गया इसका मतलब इसकी अम्लीय क्षमता कैसी है, ज्यादा। मैं क्या बोलता हूं कि अभी भी अगर कोई भी फॉर्मूला या कोई भी तरीका आपको एक बार भी परेशान करे भैया बता देना, तो ठीक है ये वाला। अब देखो अचानक से एक फॉर्मूला जो सब कुछ बिगाड़ के रख देगा, टेंशन देने वाला है, और इस पर तो मैं कुछ देर तक के लिए साइलेंट रहूंगा, तो उतना समझना उसको। CH2COOH, NH2, CH2COOH सिंगल बॉन्ड OH, यहां लिखते हैं CH2COOH सिंगल बॉन्ड OCH3, और इसको ऐसे लिख लो। बउवा हो, पहले तो जैसे ही तुमको ग्रुप दिखाई पड़ जाए, क्या ग्रुप समझ में आ रहे जो अलग से लगाए गए हैं, यहां NH2, यहां OH और यहां OCH3। अच्छा ये क्या कहते, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह हैं, कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं, प्रतिकर्षी हैं। अच्छा इन पर अपोजिट नेचर, प्रतिकर्षी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, अपने से दूर भगाएंगे। तीनों ग्रुप्स को देखो और इस बात का अंदाजा लगाओ कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने में सबसे ज्यादा माहिर कौन है, वो NH2। अच्छा इलेक्ट्रॉन को अपने से सबसे जल्दी से दूर भगाएगा, अगर सबसे ज्यादा दूर भगा रहा है, तो मैं इधर की ओर भगाने के लिए तीन तीर बना देता हूं। यहां पर थोड़ा सा कम भगाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता कम है, ऐसा हमने ऊपर पर रखा है। इस पर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता इनमें से सबसे कम है। अच्छा यार ये बताओ, अगर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आगे पहुंचाएगा, तो ऑक्सीजन पर घनत्व तो सबसे ज्यादा, तो अम्लीय क्षमता सबसे, ठीक है। इन दोनों पर आओ, इन दोनों ने इनने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा भगाया है, उधर इधर बना लेते, गलत हो रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन को भगाने की क्षमता और इसमें इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलने की क्षमता देखी, इसकी क्षमता ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा ज्यादा, ये बढ़ाएगा कम, तो क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देगा, इसकी अम्लीय क्षमता कम होगी, और जो कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑक्सीजन के एटम पर बढ़ा पाएगा, उसकी अम्लीय क्षमता ज्यादा होगी। फिर मैं समझ पा रहे हो इस ग्रुप को, ठीक है। तो अब आ जाते हैं EFG। देखो कितने कार्बन है, चार।
अच्छा देखो इसको, इसमें जानते हो क्या किया हमने बेटा, चार कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, चार कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर से चार कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इस बार मैंने मेथाइल ग्रुप को, CH3 ग्रुप को अलग अलग पोजीशन पर लगाया है, यहां COOH के जस्ट बगल वाले कार्बन पर, यहां COOH को छोड़कर एक कार्बन छोड़ेंगे फिर, और वहां फिर दो कार्बन और छोड़कर। अब मैं बात करूंगा देखो कि ये जो इसमें से डिफरेंस किस बात का है इनका, और बल्कि मैं कहता हूं ये भी सेम है, बस ये COOH से इनकी दूरी बढ़ती चली गई है। पहले इनका स्थान COOH के बिल्कुल पास था, अब इनका स्थान COOH से थोड़ा सा दूर हो गया है, और अब इनका स्थान COOH से थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा दूर हो गया है। अच्छा यार ये तो जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति तुम बगल में बैठा है तुम्हारे, देखो ऐसा भी समझो, आप उसको ज्यादा से ज्यादा परेशान भी कर सकते हो, आप उसे ज्यादा से ज्यादा खुश भी कर सकते हो, दोनों काम आप ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगेगा आप उसको परेशान भी करना चाहोगे तो कम कर पाओगे, और खुश भी करना चाहोगे तो भी कम कर पाओगे, है कि नहीं। तो एक बात ये मैं समझ जाता हूं कि अपना प्रभाव किसी दूसरे पर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति अपने से कितने नजदीक है और कितने दूर है। मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूं, देखो ऐसा क्या होता है, आपके नजदीकी व्यक्ति को अगर कोई अच्छी जॉब मिलती है आपको ज्यादा खुशी होती है, और आपका कोई दूर का व्यक्ति जानते भी नहीं उसको ढंग से, उसकी नौकरी मिली तो ज्यादा खुश, ऐसा तो डेली किसी ना किसी को मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है अच्छे से अच्छी नौकरी, यहां डेली सब किसी ना किसी मिले, लेकिन हम पर इफेक्ट उसका ज्यादा नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि हम उससे कैसा है बहुत दूर है। भैया वही इफेक्ट यहां भी लगा लेना बस। अच्छा ये बताओ इनका काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना कि अपने से दूर भगाना, दूर भगाना मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन उधर भेजेंगे, कहेंगे ले जाओ हमारा इलेक्ट्रॉन और दे दो COOH को, ये भी कहेगा ले जाओ हमारा इलेक्ट्रॉन दे दो COOH को, और ये भी कहेगा ले जाओ हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंचा दो COOH को। अच्छा यार ये बताओ बस इतना तुम सोचो, यहां नजदीक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, यहां ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन पहुंचाया जा सकता है, ज्यादा मात्रा में इफेक्ट डाला जा सकता है, यहां इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, दूर का रिश्तेदार, इस पर इफेक्ट क्या इसके बराबर रहेगा कि कम आएगा, कम, और यहां तो तुमको बहुत ही दूर पहुंचाना है, इसको तो जानते भी नहीं, ये वो रिश्तेदार है, और उसको पहुंचाने के लिए इसका मतलब प्रभाव भी बहुत ही कम पड़ेगा। मैं बस इतनी बात जानता हूं CH3 ग्रुप जब अपने से इलेक्ट्रॉनों का धक्का देगा वो तुरंत COOH पे पहुंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन घनत्व को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा, यहां CH3 ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा यहां पहुंचेगा, मैं इस पर विरोध नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि CH3 ग्रुप दूर है इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ेगा अभी लेकिन कम बढ़ेगा, इफेक्ट कम पड़ेगा, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचाएंगे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो सबसे कम बढ़ पाएगा, बढ़ेगा तीनों पोजीशन पर लेकिन सबसे कम बढ़ेगा। अच्छा क्या कहते हो अगर इसका नाम ए होता, इसका नाम बी होता और इसका नाम सी होता, सबसे कम इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो कहां पर बढ़ता, सबसे कम प्रभाव सी पर, अगर सबसे कम बढ़ता इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अम्लीय क्षमता सबसे कम की ज्यादा ज्यादा, बिल्कुल सही है। अच्छा इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रभाव तो ये डाल रहा था बगल में बैठा हुआ था, तो इसकी अम्लीय क्षमता सबसे कम। लेकिन ऐसा ही एग्जाम्पल एक और लिखेंगे लेकिन अलग टाइप से के ग्रुप पर, देखो इसको जी हो गया भैया, अगले नंबर पर आ जाते हैं एच पर,
देखो ये वाला ग्रुप है, अगर देखा जाए तो पैटर्न तकरीबन सिमिलर है और प्रभाव वही दूरी वाले पर डिपेंड करेगा जाके, अगर प्रभाव दूरी वाले पर डिपेंड करेगा। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो ये ढूंढ भैया, जब भी कोई सूत्र मिले एक काम कर लेना, ये देखना कि उनमें से कौन सा समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी वाला इस बार लगाया गया कि प्रतिकर्षी वाला, NO2 कौन है, आकर्षी है क्या? अच्छा मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम है, चलो ठीक है, तो भी अच्छा है अपने लिए। अगर इन तीनों के नाम कुछ इस प्रकार दिए जाते कि इस सूत्र का नाम एक्स होता, इसका नाम वाई लिखते और उसका नाम लिखते जेड, आपको क्या लगता है एक्स वाई और जेड में इलेक्ट्रॉन NO2 तो तीनों में खींचेगा इस बार, सबसे ज्यादा खिंचाव कौन से फॉर्मूले पर होगा इलेक्ट्रॉन का, एक्स पर की वाई पर की जेड पर? ठीक है, अगर एक्स पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो सबसे कम होगा, इस पर कम होगा तो इसकी अम्लीय क्षमता सबसे ज्यादा। अच्छा इन दो में अम्लीय क्षमता की बात करें तो ये फिर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींच ले जाएगा, क्यों? क्योंकि नजदीक है सी डब्लू एस से और ये तो सबसे ज्यादा दूरी पर है, तो ये ज्यादा खींच ले जाएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो और भी कम हो जाएगा, अम्लीय क्षमता ज्यादा। अब देखो क्या होता है कि बच्चा अगर रटने के लिए जाता है, कहता हम सारी रट लेते हैं सारी चीजों को, बिल्कुल भी नहीं रट पाओगे, समझो सेम कैटेगरी पे फॉर्मूले लिखे हैं, सी एस थ्री की जगह पर बस एनओ टू है, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, जहां सी एस थ्री ग्रुप लगा है वहां पर आपने एनओ टू ग्रुप को इस्तेमाल में किया है। अगर आप ऊपर वाले का रटते, देखो इसका क्रम अपोजिट है, जिसको आपने सबसे ज्यादा अम्ली इस बार बताया है दरअसल वो सबसे कम अम्ली था पिछली बार, और जिसको सबसे कम अम्ली इस बार बताया है वो सबसे ज्यादा अम्ली था पिछली बार। तो होता क्या, जब रटने जाते हैं आप तो फिर इन नियमों पर डिफरेंस पहचानना अपने आप में बहुत कठिन हो जाता है। कठिन क्या हो जाता है भैया, पता ही नहीं चल पाएगा, हमने तुम सोचोगे दूरी बढ़ी थी, तुमने पहले वाले को पढ़ा, तुमने कहा सर जी दूरी बढ़ी थी अम्ली क्षमता बढ़ गई थी, तो दूरी बढ़ी अम्लीय क्षमता बढ़ गई, लेकिन जरा देखो नीचे वाले का, इसमें दूरी बढ़ी और अम्लीय क्षमता क्या हो गई, घट गई। तो आप कहोगे हम दूरी बढ़ने पर अम्लीय क्षमता बढ़ने वाला नियम पकड़े कि दूरी बढ़ने पर अम्लीय क्षमता के घटने वाला नियम पकड़े, तो क्या इस बात को समझ पा रहे हो? एक सूत्र और देंगे जो इन सभी सूत्र का मिश्रण होगा, और आपको इस बात को पहचानना है कि अम्लीय क्षारीय क्षमता, अम्लीय क्षमता का क्रम क्या है, A B C D E F G H I, देखो नोट वाला का काम जो है ये थोड़ा देर बाद भी कर लेना, पहले इनको देखो लास्ट वाले को क्या कहते हैं, तो इस पे जल्दी ध्यान से देख लेना, इस पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूहों को लगाया गया है? अरे दोनों हो गए क्या? तो ऐसा नियम तो पढ़ा ही नहीं था कि दोनों का आ जाए कभी काम, हम लोगों ने तो नियम भैया बहुत अच्छे पढ़े थे, लेकिन नियम इस पर पढ़ा था या तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लिख जाए तो हम लोग फिर हीरो हैं, और या तो प्रतिकर्षी लिख जाएं तो भैया पूरा काम अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपको इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तो मिलता ही मिलता है और साथ में इलेक्ट्रॉन का कौन सा समूह मिलता है, प्रतिकर्षी समूह, ऐसी प्रॉब्लम से भी निकलने का बहुत आसान तरीका है। अच्छा पहले बात करेंगे इधर किनारे से, ये इलेक्ट्रॉन का आकर्षी समूह है ना फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा। चलो आगे चलते, यह भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला ही समूह है, तो यह भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा,
लेकिन मैं क्या सोचता हूं, ये इसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन को खींचने की कम है। एक तीर बनाया है, देखो भैया लाइन तो पूरी खींची लेकिन तीर का निशान केवल एक बार बनाया है। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है इस पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा है कि प्रतिकर्षी समूह लगा है? यार ये कहां से जान गए, हम तो ये बात ना जान पाए। देखो CH2 तो सब में था, इसमें जोड़ा गया ये वाला ग्रुप, तब जाके ये क्या हो गया CH3COOH। तो ऐसा ही नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ऐसा ही, क्योंकि किताबों में ऐसा ही छप के आएगा और एग्जाम में भी अगर मिलेगा ऐसा ही मिलेगा। वो H अलग से नहीं लिखा होगा, ये तो तुम पहचानो। अच्छा बताओ तो इसमें H लगा है ना, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है कि आकर्षी समूह? मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करेगा, प्रतिकर्षित। H और NH2 में इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित ज्यादा कौन कर पाएगा, NH2। तो इसमें प्रतिकर्षण की तीर के निशान कितने लगा दिए जाए, दो। अब जो ये वाला चिन्ह बना ले रखे हैं हम लोगों ने इसके नीचे, भैया यही सारे काम करवाएगा हम लोगों से। अच्छा ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींच रहा है ना, वैसे भी इस बात को दिमाग में रखें, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो घनत्व होगा कम, अम्लीय क्षमता बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन अगर दूर भगाएगा ऑक्सीजन के पास भेजेगा तो अम्लीय क्षमता तो वैसे भी घट जानी है क्योंकि घनत्व तो बढ़ जाएगा वहां। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तो वैसे भी अम्लीय क्षमता बढ़ाते हैं, इन दोनों में से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे कम कर देगा, इसकी अम्लीय क्षमता सबसे ज्यादा। अच्छा इन दोनों में से जब आएगा ये इलेक्ट्रॉन खींचकर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा रहा है, ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंचाकर उसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने वाला तो वैसे भी कम अम्लीय होगा, और इन दोनों में जब कंपेयर होगा तो वो ज्यादा बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन के घनत्व को, तो उसकी अम्लीय क्षमता सबसे कम। तो ये उस तरह का सवाल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के साथ साथ आपको प्रतिकर्षी समूह भी मिलेगा ही मिलेगा। अभी क्या करेंगे कि आज के दिन केवल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रखेंगे, अभी कल वाले वो फॉर्मूले तैयार करेंगे जो ये बेंजीन रिंग पर आधारित नहीं होते हैं, तो उन पर बात करेंगे अभी अगली क्लास पर फिर।